Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper.

और यूक्रेन हाल फिलहाल में इट इज़ इट हैज़ सोन इट्स विलिंगनेस टू ज्वाइन द नैटो ग्रुप एंड दैट इज़ वाई रशिया हेज़ बिकम बेलीजरेंट अगेंस्ट यूक्रेन एंड रिसेंटली इट हैज़ अटैक्ड ऑल्सो यूक्रेन राइट तो यूक्रेन जब सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे ये न्यूक्लियर वेपन सोवियत यूनियन यानी कि जिसका हेड रसिया था उन्होंने ही इंस्टॉल कराया था यूक्रेन के अंदर लेकिन जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया इन 1991 यूक्रेन पुल्ड आउट ऑफ सोवियत यूनियन उसके बाद यूक्रेन डिसाइडेड टू गो फॉर डी न्यूक्लियराइजेशन मीन्स अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया यूक्रेन ने अब हाल फिलहाल में ये वापस से न्यूक्लियर इशूज़ क्यों निकल के आ रहे हैं सामने क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को खासकर उसके न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस को अलर्ट पर रहने को कहा है दैट सिंपली मीन्स कि रसिया इज़ इवन कंसीडरिंग न्यूक्लियर अटैक ऑन यूक्रेन अब ऐसे हालात में यूक्रेन जिसके पास पहले न्यूक्लियर वेपन हुआ करता था अब उसके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं तो ऐसे हालात में यूक्रेन अपने आप को न्यूक्लियर वेपन जो रशिया के पास है उनके अगेंस्ट बचा नहीं पाएगा और इसी कारण से फिर से न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक कंट्री को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको लेकर के डिबेट्स शुरू हो गई हैं ज़्यादातर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर उस टाइम में 1991 के टाइम में यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिटेन किया होता तो आज न्यूक्लियर डेटरेंस वो क्रिएट कर पाता अगेंस्ट रशिया न्यूक्लियर डेटरेंस का सरल सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई न्यूक्लियर वेपन से धमका रहा है इफ़ सम कंट्रीज थ्रेटनिंग यू विथ न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो आप, आप भी काउंटर थ्रेट दे सकते हैं और इससे वो थ्रेट नलीफाई हो जाएगा और बोथ साइड्स विल डेटर अगेंस्ट द न्यूक्लियर अटैक तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब दोनों ही साइड अगर के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो नो वन वुड डेयर टू अटैक द अदर पार्टी क्योंकि आपको पता है कि अगर सामने वाली पार्टी ने भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया तो उस केस में द कैजुअलिटी विल बी सीवियर एंड दिस इज द रीजन वाई दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं रियलिस्ट एक्सपर्ट्स ये पी एस आई आर ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए रियलिस्ट वर्ड उनको ज़्यादा समझ आएगा रियलिस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हर एक देश को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए और जब सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा तो अपने आप दुनिया में कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे वॉर्स ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज नो वन यू डेयर टू अटैक अदर चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा हो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है रसिया हैज़ यूक्रेन यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन अगर होता तो चाहे यूक्रेन कितना भी छोटा देश है रसिया हिम्मत नहीं करता यूक्रेन को इस तरीके से अटैक करने का क्योंकि रसिया को भी डर होता कि यूक्रेन मे रिटेलिएट विथ न्यूक्लियर वेपन सो दिस इज़ हाउ न्यूक्लियर डेटरेंस इज़ इम्पॉर्टेंस कितना भी छोटा देश होगा न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो फिर वो एक डेटरेंस क्रिएट कर लेता है और ये न्यूक्लियर डेटरेंस वापस से न्यूज़ में आ रही है वापस से डिस्कशन में आ रही है आफ्टर दिस रसियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन तो इट हाइलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन और रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से जैसे कि मैंने आपको कहा पी एस आई आर ऑप्शन स्टूडेंट्स इसको बेहतर समझेंगे कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से तो हमेशा ही सजेस्ट किया जाता है कि हर एक देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे ताकि वो डिटरेंस क्रिएट कर पाए अगेंस्ट द अदर अटैकर्स तो देर आर बिन मेनी आर्ग्यूमेंट्स अराउंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्यों न्यूक्लियर वेपन हमें डेवलप करना चाहिए तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू अ कंट्री एक बार जब आप न्यूक्लियर वेपन बना लेते हैं तो फिर आपको एक बात पता होती है कि अगर कोई दूसरा देश आपको न्यूक्लियर वेपन दिखा करके थ्रेटिन करे तो उस केस में आप भी उसको काउंटर थ्रेट दे सकते हैं दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ नलीफाइंग इफेक्ट न्यूक्लियर डेटरेंस कैन बी ब्रॉड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग वॉर तो होता क्या है कि जब दो साइड्स न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेते हैं तो इट लीड्स टू न्यूक्लियर डेटरेंस या म्यूचुअल अस्योड डिस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और इस कारण से फिर वॉर्स नहीं होती हैं तो ये आपको सुन करके थोड़ा अजीब लगेगा बट येस दिस इज़ ऑल्सो अ थ्यूरी कि इफ़ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डेवलप न्यूक्लियर वेपन देयर वॉन्ट बी वॉर्स देयर विल बी न्यूक्लियर डेटरेंस एंड देयर विल बी म्यूचुअल एसोड डिस्ट्रक्शन प्रिंसिपल दैट विल प्रिवेंट वॉर फॉर एग्जाम्पल आप देखिए क्या है ये म्यूचुअल एसोड डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर डेटरेंस प्रिंसिपल ये समझिए मान लीजिए कोई कंट्री ए है और दूसरा कंट्री बी कंट्री ए ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया कंट्री बी ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया उस केस में दे नो नाउ कि इट्स पॉइंटलेस टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर क्योंकि अगर हमने इसके बी के ऊपर अटैक किया तो बी के पास भी न्यूक्लियर वेपन है ये भी हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर देगा और न्यूक्लियर वेपन का जो अटैक होगा दैट वुड बी कैटेस्ट्रॉफिक सो दिस इज हाउ अ काइंड ऑफ डेटरेंस इज क्रिएटेड यू टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड इन केस ऑफ इंडिया पाकिस्तान दिस मैड या फिर न्यूक्लियर डेटरेंस प्रिंसिपल इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इन दो हम दोनों के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1948, 1965 एट 1971 में तीन फुल स्केल वॉर लड़े गए 1998 में हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया और उसके 20 दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया फॉर्मली और तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी फुल स्केल वॉर नहीं हुआ है भले फ्लैश पॉइंट तक बातें गई ज़रूर हैं उरी के बाद या पठानकोट के बाद लेकिन फुल स्केल वॉर दोनों ही साइड्स ने अवॉइड किया है क्योंकि अब दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं एंड नो वन इज़ विलिंग टू टेक दैट मच रिस्क सो यू कैन से कि मैड और न्यूक्लियर डिटरेंस प्लेज अ रोल इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इन करेंट टाइम्स लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है न्यूक्लियर वेपन बना देने से कुछ टाइम के लिए पीस आ सकता है लेकिन न्यूक्लियर वेपन से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता और हमें बेहतर सॉल्यूशन सोल्यूशन है कि पूरे दुनिया भर से न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दिया जाए कंप्लीट डिसआर्मामेंट कर दिया जाए तो देखते हैं कि क्रिटिक्स का क्या कहना है रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स क्रिटिक्स का कहना है कि देखिए ये मैड प्रिंसिपल या न्यूक्लियर डेटरेंस इट मेक्स अ सेंस ओनली विथ रिस्पेक्ट टू रैशनल डिसीजन मेकर्स, जो सेंसिबल डिसीजन मेकर्स हैं लेकिन कई सारे इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्रीज भी हैं जैसे नॉर्थ कोरिया उनके लिए ये मैड या फिर न्यूक्लियर डेटरेंस प्रिंसिपल में नॉट वर्क इफेक्टिवली भाई ये लोग तो इतना लॉजिकली फैसला लेंगे नहीं एंड दे में मिस यूज द न्यूक्लियर वेपन दे में अटैक और गो फॉर न्यूक्लियर वेपन विदाउट कंसिडरिंग द अदर साइड में ऑल्सो काउंटर अटैक उसके अलावा वाट हैपन्स इफ़ द न्यूक्लियर वेपन फॉल्स इन देंड्स ऑफ टेरोरिस्ट ग्रुप्स अगर टेरिस्ट लोगों को मिल गया तब तो वो न्यूक्लियर वेपन का सीधा सीधा इस्तेमाल कर देंगे उनके लिए तो न्यूक्लियर डेटरेंस का कोई सेंस नहीं बनता है उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे तो कभी ना कभी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं एंड दैट में कॉज मैसिव डैमेज तो इसी कारण से जो क्रिटिक्स हैं न्यूक्लियर वेपन के वो कहते हैं कि हमें कंप्लीट डिसआार्मामेंट के लिए जाना चाहिए तो ये दो आइडियाज़ हैं अभी इस पर्टिकुलर यूक्रेन और रशिया के, के केस में तो पहला आइडिया ज़्यादा सही होता हुआ दिख रहा है कि भाई सब पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो अपने आप वॉर्स कम हो जाते यूक्रेन के पास वेपन होता तो रशिया उस पर अटैक नहीं करता लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर कुछ भी गल, गलत हुआ तो देर विल बी मैसिव चैलेंजेस इसलिए बेहतर सॉल्यूशन है कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट किया जाए न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए अगर इंडिया की बात की जाए इंडिया का किस तरह का अप्रोच रहा है तो देखिए इंडिया का भी अप्रोच ऐसा ही है या तो कम्प्लीट डिसआर्मामेंट कर दिया जाए पूरे दुनिया भर से न्यूक्लियर वेपन को हटा दिया जाए या तो फिर सारे देश न्यूक्लियर वेपन्स रखें ऑफ कोर्स वी डोंट वो डायरेक्टली से देश के सारे देश न्यूक्लियर वेपन रखें बट हमने ओपनली एन न्यूक्लियर नॉन पोलीफरेसन ट्रीटी को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि न्यूक्लियर नॉन पोलिफरेशन ट्रीटी कहता है कि बस पी फाइव कंट्रीज़ को जो यू के पांच परमानेंट कंट्रीज हैं उनको ही न्यूक्लियर वेपन्स रखने का हक़ है इंडिया हैज़ स्ट्रांगली कंडेम्ड दिस एन फॉर इट्स डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन्स तो इंडिया का कहना है कि या तो कोई नहीं रखे कंप्लीट डिसआरमेंट अदरवाइज कंट्री शूड कीप न्यूक्लियर वेपन फॉर देयर ओन सिक्योरिटी इंडिया के अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए तो 1962 hmm. वॉर के बाद चाइना के वॉर के बाद से ही इंडिया हैज स्टार्टेड टू तो थिंक ऑफ डेवलपिंग इट्स ओन वेपन क्योंकि 1966 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया खुद का एंड चाइना डिक्लेयर इट सेल्फ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऐसी बात भी आ रही थी सामने निकल करके थ्रू आवर सीक्रेट सर्विसेज कि चाइना इज़ हेल्पिंग पाकिस्तान आल्सो टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऐसे टाइम में इंडिया वाज़ फेसिंग थ्रेट फ्रॉम टू साइड्स न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट फ्रॉम टू साइड्स एंड दिस इज़ वेन इन 1974 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जिसमें हमने पोखरन के अंदर टेस्ट किए न्यूक्लियर टेस्ट किए जिसको हम लोग पोखरन वन टेस्ट भी कहते हैं इसका नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा अंडर लीडरशिप ऑफ़ श्रीमती इंदिरा गांधी अभी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करने के बाद पोखरन में हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया है इसका इस्तेमाल बस सिविलियन पर्पस के लिए किया जाएगा मतलब बस जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए किया जाएगा इट वॉन्ट बी यूज फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स लेकिन नाइनटीन में अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमने फिर से ऑप न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की इसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति इसको पोखरन टू भी कहते हैं और इसके बाद इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया और इसके लगभग 20 दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया बाय कंडक्टिंग सम न्यूक्लियर टेस्ट तो मतलब पाकिस्तान रेडी था इम्प्लिसिटली चोरी छुपे चाइना उसको न्यूक्लियर वेपन दे चुका था वो बस इंडिया का इंतज़ार कर रहा था कि अगर इंडिया डेवलप इंडिया ओपनली कह कहतेगा अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो हम भी कर लेंगे अभी अगर वाजपेयी जी की बात सुनी जाए वाजपेयी जी ने उस टाइम में न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद और इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर करने के बाद जो स्पीच दिया था पार्लियामेंट के अंदर उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि ही ऑल्सो बिलीव्ड इन न्यूक्लियर डेटरेंस कि अगर इस अपने देश की सिक्योरिटी सेफ्टी को इंश्योर करना है तो हमें न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना ही होगा तो ही ऑल्सो बिलीव्ड इन सम सॉर्ट ऑफ मैड या फिर न्यूक्लियर डेटरेंस फिलोसफी। अब देखिए इस स्पीच इस में जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया इसको ध्यान से सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरन टू यानी कि ऑपरेशन शक्ति के टेस्ट के बाद क्या कहा तो देख रहे हैं कि वाजपेयी जी भी कह रहे हैं कि अगर पहले से तैयारी करी जाए तो फिर कोई जो खतरा बन भी सकता है वो भी खतरा नहीं बनेगा तो एक तरीके से वो न्यूक्लियर डेटरेंस की ही बात कर रहे हैं कि फिर डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स अगर कोई थ्रेट बन भी सकता है फ्यूचर में तो वो थ्रेट भी बनेगा नहीं और इंडिया चूंकि एक रेस्पॉन्सबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बाद अपनी खुद की न्यूक्लियर डॉक्टरिन या न्यूक्लियर पॉलिसी अनाउंस की जिसके कुछ मेजर फीचर्स हैं यहाँ पे देखिए पहले हमने कहा नो फर्स्ट यूज यानि कि हम पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पे नहीं करेंगे लेकिन देर विल बी मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक ऑन अस। अगर कोई दूसरा कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है उस केस में तो हम मैसिव तरीके से रिटालिएट करेंगे मतलब छोड़ेंगे भी नहीं अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो तीसरा नो यूज़ ऑफ़ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट तो अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट है तो उसके ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे देश हैं जिन्हों के जिन्होंने नो फर्स्ट यूज अपना रखा है कई हैं जिन्होंने नहीं भी अपना रखा है तो रसिया ऑफ कोर्स हैज़ नो नो फर्स्ट यूज इसीलिए रसिया अभी कह रहा है कि इट माइट अटैक यूक्रेन विथ न्यूक्लियर वेपन कंक्लूजन यह है कि इंडिया इज ए रिस्पांसिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट और इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप जरूर किया है बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी नॉट टू थ्रीटेन एनी अदर कंट्री एंड दैट इज हाउ वी कैन स्टिल से कि इंडिया स्टैंड फॉर न्यूक्लियर डिसार्मामेंट अगर सारे देश अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने को रेडी हैं तो इंडिया ऑल्सो इज विलिंग टू गिव अप इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस बार के ए मेंस में भी सवाल इस तरह का आया है और तो न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन में लीड टू इंटरनेशनल पीस डिस्कस कि क्या न्यूक्लियर पॉलीफरेशन से इंटरनेशनल पीस आएगी आपको दोनों ही साइड्स लिखने हैं इसका पूरा पूरा पॉइंट मैंने आपको दे दिया है आप लिख सकते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो मैड डॉक्टर या न्यूक्लियर डेटरेंस होगा जिससे एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा फिर वहां पे आप इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में के इतने सालों से वॉर नहीं हुए फुल फ्लेजेड वॉर कुछ लोगों का मानना है कि कोल्ड वॉर रिमेन कोल्ड कोल्ड वॉर रिमेन कोल्ड बिकॉज बोथ यूएस एंड यूएसएसआर हैड ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यू सी कोल्ड वॉर के टाइम में नाइनटीन सिक्सटी से देखिए यूएस और यू ये ब्लू कलर से यू का स्टॉक पाए ले ये यू का रेड कलर से दोनों के पास लार्ज स्केल में न्यूक्लियर वेपन्स थे और इसी कारण से लोगों का मानना है कि कोल्ड वॉर रिमेन कोल्ड मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई वॉर नहीं हुआ आंसर बोथ वेयर न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो मतलब न्यूक्लियर डेटरेंस कम्स इन पिक्चर लेकिन साथ ही साथ क्रिटिकसिजम भी हमने देखा कि टेरिस्ट लोगों के हाथ में लग जाए तो क्या होगा ए देर आर इेस्पॉन्सिबल पावर्स न्यूक्लियर और uh, डिजास्टर भी होने का थ्रेट है एक्सीडेंट्स होने के भी थ्रेट हैं दिस इज हाउ द बेस्ट सॉल्यूशन इज कंप्लीट डिसआर्मामेंट और इंडिया की जो फिलोसफी है उसको लेकर के आप कंप्लीट कंक्लूड uh, कर सकते हैं कि देर शुड बी कंप्लीट डिसआर्मामेंट दैट इज बेस्ट सॉल्यूशन बिकॉज न्यूक्लियर वेपन के साथ जो पीस आता भी है दैट इज अ काइंड ऑफ नर्वस स्टेट ऑफ पीस नर्वसनेस बनी रहती है जैसे अभी के केस में रसिया uh, जो थ्रेटन कर रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ नर्वसनेस क्रिएटिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड इंडिया स्टैंड फ्राम यू एन एच आर सी दिस इज सेकेंड टॉपिक दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉम आर सलेबस पेपर टू जी एस पेपर टू इंटरनेशनल एजेंसीज परपेक्टिव सबसे पहले समझते हैं यू एन एच आर सी के बारे में कैसे काम करता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल तो देखिए ये यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है उसके प्रिंसिपल ऑर्गेन में नहीं आता है बट उसकी एक बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए काम करती है इसको स्टैब्लिश किया गया था टू थाउजेंड सिक्स में इसके एक वक्त में किसी भी वक्त में फोर्टी सेवन मेम्बर्स होते हैं और इन मेंबर्स को चुन करके भेजा जाता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आपस में से 47 मेंबर्स को चुन करके भेजते हैं टू बी पार्ट ऑफ़ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और जो भी कंट्री चुन करके आता है उसका टाइम पीरियड होता है तीन साल का एंड दे कैन हैव मैक्सिमम टू कंजिक्यूटिव टर्म्स मतलब छः साल तक वो रह सकते हैं तीन साल और तीन साल करके अभी इंडिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेम्बर है करंट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक रिजोल्यूशन रखा गया जहाँ पर रसिया को और रशिया का जो करेंट स्टैंड है स्टेप है टू इन्वेड यूक्रेन उसको लेकर के काफ़ी कंडेम किया गया है इस रिजोल्यूशन पे वोटिंग भी कराई गई लेकिन इस वोटिंग में आउट ऑफ 47 कंट्रीज 32 कंट्रीज वोटेड इन फेवर ऑफ़ दिस रिजोल्यूशन एंड दिस इज हाउ दिस रिजोल्यूशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इस पर वोट नहीं किया ऑफकोर्स रसिया और इरिट्रिया ने इसके खिलाफ वोट किया जबकि तेरह ऐसे कंट्रीज हैं जो एब्सटेन हो गए मतलब एब्सेंट रहे उसमें इंडिया भी है अलॉन्ग विथ चाइना पाकिस्तान तो एक बार फिर से यह साबित हो गया कि इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक साइलेंस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू दिस पर्टिकुलर इशू रसिया इज ऑन यूक्रेन हैज़ क्रिएटेड डिप्लोमेटिक डायलेमा फॉर इंडिया इंडिया कैन नाइदर बी कंप्लीटली अलाइंड विथ यू एस नॉर अलाइंड विथ रसिया एंड दैट इज वाई इंडिया इज ट्राइंग टू की पे मिडिल पाथ और इसी कारण से यूएनएससी के अंदर भी चाहे यू के अंदर भी जहाँ दोनों जगह इंडिया मेंबर है इंडिया ने वोट करने से ही एब्सटेन कर दिया ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कवच टेक्नोलॉजी टू बी यूज बाय इंडियन रेलवे एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर्म आर सिलेबस जी पेपर थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है कवच पहले ये समझते हैं देखिए ये इंडियन रेलवे द्वारा डेवलप किया हुआ एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेनस के कोलिजन को प्रिवेंट करेगा इसका टेक्निकल नाम है कोलिजन्स अवॉर्डेंस सिस्टम ट्रेन कोलिजन अवॉर्डेंस सिस्टम टी जिसको निकनेम दिया गया है कवच तो कवच एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly कैसे काम करेगा ये भी ज़रा समझिए मान लीजिए कि ड्राइवर किसी भी कारण से ट्रेन का जो ड्राइवर है वो किसी भी कारण से ब्रेक नहीं लगा पाया तो भी इस केस में जो कवच सिस्टम है उसकी मदद से ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएंगे तो ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम विल कम इन टू पिक्चर और प्ले ऑटोमेटिकली इवन इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस तो कवच एग्जैक्टली काम कैसे करेगा जरा देखिए जीपीएस के थ्रू अलग अलग ट्रेन्स के मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा तो ट्रेन्स के आगे इस तरह का एक ट्रैकर लगा रहेगा आर एफ ट्रैकर जिससे ट्रेन्स के मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा और जैसे ही ये दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से नज़दीक आ जाएंगे तो ये कवच सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा और ये कवच सिस्टम जैसे ही ऑन होगा दोनों ही ट्रेन्स के जो ब्रेक सिस्टम है ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगे और ट्रेनें रुक जाएंगी सो दिस इज़ हाउ कवच सिस्टम वर्क्स। जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा हर एक ट्रेन को और जैसे ही वो एक ही ट्रैक पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आ जाएंगे और अगर ड्राइवर्स नहीं लगा पा रहे हैं ब्रेक किसी भी कारण से तो उस केस में कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा ये कवच सिस्टम न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इंडियन रेलवे ने अब कवच सिस्टम की टेस्टिंग शुरू कर दी है और हो सकता है कि आने वाले एक दो साल में सारे ही इंडियन ट्रेन्स में ये कवच एप्लीकेबल हो जाए द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिनिमम अस्योर्ड रिटर्न स्कीम मार्स स्कीम दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जी एस पेपर थ्री इंडियन इकॉनमी परस्पेक्टिव तो मार्स स्कीम इज रिलेटेड टू पेंसंस तो पेंशन कैसे चलता है कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में जरा समझते हैं फिर हम मार्स स्कीम पे आएंगे देखिए 2004 से पहले तक जो भी भारत सरकार के एम्प्लॉयज थे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ थे उनका जो पेंशन का प्रोसीजर था कुछ इस तरीके का था जिसको हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम कह रहे हैं अब तो 2004 से पहले कैसा होता था कि जो भी लास्ट विड्रॉन सैलरी होती थी उसका 50 परसेंट पेंशन के तौर पे दिया जाता था किसी भी रिटायर्ड इंसान को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब से रिटायर हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी लास्ट विड्रॉन सैलरी है मान लीजिए एक लाख रुपये तो उनको पचास हज़ार रुपये पेंशन के तौर पे हर महीने दिए जाते थे विथ एन एनुअल हाइक ऑफ थ्री परसेंट एवरी ईयर 2004 में ये सिस्टम को बदल दिया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पर लाया गया नेशनल पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम पहले तो 2004 में जब लाया गया तो इट वाज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ इसमें नियम कैसा लगाया गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी का सैलरी के बेसिक पे का फोर्टीन एक फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही भारत सरकार भी उनके फंड में कंट्रीब्यूट करेगी मान लीजिए कि इनका बेसिक पे ये भारत सरकार के इम्प्लॉयर इनका बेसिक पे है पचास हज़ार रुपये तो सात हज़ार रुपये पचास हज़ार का फोर्टीन परसेंट सात हज़ार रुपये ये अपने इम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में डालेंगे और उतना ही पैसा सात भारत सरकार भी इनके इम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में डालेगी और ये पैसा इकट्ठा होता रहेगा होता रहेगा मान लीजिए कि इनके रिटायरमेंट टाइम में इकट्ठा होते, होते होते ये पैसा एक करोड़ हो गया तो अब उस एक करोड़ का साठ परसेंट जो अमाउंट है वो उनको एज इट इज दे दिया जाएगा यानी कि साठ लाख रुपए तो उनको लमसम एक बार में दे दिया जाएगा और बाकी जो चालीस लाख है चालीस परसेंट उसको एन्यूटी के फॉर्मेट में यानी कि हर महीने एक मंथली आप समझिए पेंशन के फॉर्मेट में उनको दिया जाना शुरू किया जाएगा सो ये रहा था नेशनल पेंशन स्कीम अगर अब देखिए तो ओल्ड पेंशन और नेशनल ना, पेंशन स्कीम जो नया पेंशन स्कीम था उसमें मेन अंतर ये है कि अब इंप्लॉज को भी कंट्रीब्यूट करना है अपनी सैलरी से भारत सरकार पूरा पूरा खर्चा नहीं उठाने वाली आपके पेंशन का 2009 में ये नेशनल पेंशन स्कीम बाकी सारे लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज के अलावा नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए भी ओपन कर दिया गया बस अंतर ये रहा कि जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज होंगे वो अपना खुद का कंट्रीब्यूट करें इस फंड में उसमें भारत सरकार कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो यही एक अंतर था तो 2009 थाउजेंड नाइन ऑनवर्ड्स एन पी एस वॉज ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स तो ऑल सिटीजन्स अब चाहें तो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं तो अब एज अ प्राइवेट सिटीजन भी हमारे पास दो ऑप्शन है या तो भारत सरकार द्वारा चलाई गई नेशनल पेंशन स्कीम में अपना पेंशन फंड स्टार्ट कर दें या फिर कोई प्राइवेट पेंशन स्कीम ले लें एच डी एफ सी का या रिलायंस का कुछ भी पेंशन स्कीम इस तरह से ले लें लेकिन प्राइवेट सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट विल नॉट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन अब जरा समझते हैं करंट न्यूज़ मार्च को समझने के लिए ज़रा समझते हैं कि देखिए आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया इस एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में भारत सरकार ने किया अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो अगर नहीं है तो सिर्फ आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे पैसा इकट्ठा होता जाएगा आपके फंड में एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में पैसा इकट्ठा होता जाएगा ये पैसा पी एफ आर डी ए पेंसन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस फील्ड के रेगुलेटर हैं उनके ओवरऑल सुपरविज़न में ये पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा तो आप जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा एज इट इज़ नहीं रहता वहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट में कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदे जा सकते हैं तो आप सात सात हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं वो पैसा इकट्ठा होता रह रहा है और वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है सरकार ये एजेंसी पी और इससे इन शेयर मार्केट से कॉरपोरेट बॉन्ड से जी में इन्वेस्ट करके जो भी पैसा रिटर्न में मिलता है वो पैसा फिर आपको दिया जाता है एज पेंशन तो मुद्दा यह है कंक्लूजन ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका पेंशन फिक्स्ड हुआ करता था न्यू पेंशन स्कीम में आपका पेंशन या रिटर्न फिक्स्ड नहीं है इट में वैरी हो सकता है शेयर मार्केट में जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया था पी एफ आर ने कॉरपोरेट बॉन्ड में या जी में इन्वेस्ट किया था वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल जाए तो आपको बेहतर पेंशन मिलेगा अगर नहीं मिला रिटर्न कम मिला तो आपका पेंशन भी कम हो जाएगा सो दैट मीन्स नाउ पेंशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम वैरीज एंड इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट तो मार्केट ऊपर जाएगा तो पेंशन बढ़ेगा मार्केट नीचे जाएगा तो पेंशन घटेगा और यह कारण है कि कई सारे लोग जो हैं यह नेशनल पेंशन स्कीम ऑप्ट नहीं करना चाहते दे डोंट वांट टू टेक पेंशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम उनको लगता है कि मार्केट में तो उतार चढ़ाव होता रहता है एंड वाई टू टेक दैट दैट इज रिस्की और इस कारण से पी लेकर के आ रही है मिनिमम अस्योर्ड रिटर्न स्कीम नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि अब वो आपको मिनिमम गारंटी देगी कि ठीक है मार्केट में उतार चढ़ाव होता रह रहा है कोई बात नहीं लेकिन हम आपको एक मिनिमम गारंटी रिटर्न की गारंटी देंगे अंडर दिस न्यू स्कीम अंडर पेंशन फंड तो इसमें होगा क्या आप जो पैसा डालेंगे मान लीजिए कि आपका पैसा डालते डालते आपका एक करोड़ रुपये आपने जमा कर दिया तो एक करोड़ का सर्टेन अमाउंट मान लीजिए कि 50 परसेंट अमाउंट जो होगा उस पर गारंटेड रिटर्न आपको पी एफ देगा कि आठ परसेंट तो इस पर आपको मिलेगा ही मिलेगा अब वो आठ परसेंट के लिए हो सकता है कि पी आपके इस अकाउंट का पेंशन अकाउंट के लिए इंश्योरेंस ले ले कुछ और कवरेज ले ले वो एक अलग बात है वो कैसे करेगी अभी देखेंगे लेकिन मुद्दा यह है कि कैसे मिनिमम एसोर्ड रिटर्न स्कीम एप्लीकेबल होगा तो एक करोड़ मान लीजिए जमा हुआ आपके पेंशन फंड में तो उसमें से फिफ्टी परसेंट हो सकता है कि वो आपको मिनिमम एस्योर्ड रिटर्न दे दे बाकी फिफ्टी परसेंट पे वो फिर बोलेगा कि देखिए रिटर्न वेरिएबल है डिपेंड्स ऑन द मार्केट तो मान लीजिए कि आठ परसेंट का रिटर्न आना था लेकिन मार्केट नीचे चल गया तो यहाँ पर बस छः ही मिलेगा सो दिस इज हाउ द न्यू स्कीम मिनिमम अशोड रिटर्न स्कीम मे वर्क लेकिन देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी बस सोच रही है कि मैर्स को यानी कि मिनिमम अशोड रिटर्न स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए ये एक्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट होगा अभी ये क्लियर नहीं है तो दिस इज जस्ट अ प्रपोजल इट विल भी अप्लाइड इन कमिंग वन और टू मंथ इसलिए आप फिर से समझिए ये जो फिगर्स मैंने दिए हैं फिफ्टी परसेंट पर गारंटेड रिटर्न फिफ्टी परसेंट पे वेरिएबल रिटर्न ये फिगर जो है वो हाइपोथेटिकल हैं इसको मैंने लिया है बस आपको समझाने के लिए कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इंडस वाटर ट्रीटी देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है अंडर द ट्रीटी ऑल द वाटर्स ऑफ द रिवर्स विल बी एलोकेटेड टू इंडिया ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है क्योंकि वाटर हर रिवर का एक मिनिमम फ्लो ये जिसको हम लोग इकोलॉजिकल फ्लो कहते हैं उसको अलाउ करना है पूरा पूरा पानी इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता कुछ फ्लो आपको अलाउ करना है जो जाकर के समुद्र में मिले लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है सो तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी That's all from our side for today. Thanks for watching.